अगर हमें नोटिस राइटिंग करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है पहले तो वही बॉक्स में होता है इट हैज़ टू बी देयर इन अ बॉक्स बॉक्स में हमें अपने स्कूल का नाम लिखना होता है यूजली टीचर्स कहती हैं कैपिटल में लिखो ठीक है तो कैपिटल में होना चाहिए देन लीव अ लाइन और उसके बाद आपको लिखना होता है नोटिस ठीक है नोटिस के जस्ट बगल में डेट आनी चाहिए इधर नोटिस के लेफ्ट में फिर आपको हेडिंग डालनी चाहिए जैसे इन्विटेशन फॉर टूर तो टू राजस्थान या अ ट्रिप टू राजस्थान तो कैसे लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ ट्रिप इज़ बींग ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल वैसे तो नोटिस में उसकी भी ज़रूरत नहीं होती दिस इज़ टू इन्फॉर्म क्योंकि नोटिस मतलब ही है कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं बट फिर भी अगर आपके टीचर ने लिखवाया तो हम ओके विद इट और वैसे आप कोशिश कीजिए कि वो हमेशा पैसिव वॉइस में हो

हो सकता है कि मैम ने एक्टिव में लिखवाया हो, बट वैसे में होना चाहिए। सिक्स टू एट आई इनफॉर्म दैट द स्कूल इज अ टूर या ट्रिप टू राजस्थान ठीक है अब एंड द डिटेल्स ऑफ द टूर आर एज फॉलोज डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल uh, ठीक है और हम ऐसे लिख सकते हैं कि uh, अगर आप हाँ मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूं कि द पैकेज कॉस्ट रुपीज टेन थाउजेंड है ना विच इज इंक्लूसिव ऑफ पहले बताओ विच इज इंक्लूसिव ऑफ और टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मतलब जानो आना थर्ड एसी टिकट टिकट ठीक है स्टे इन अ फाइव स्टार या स्टे इन अ थ्री स्टार होटल ठीक है फूडिंग लॉजिंग साइट सीइंग ठीक है या विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स विच इज इंक्लूसिव ऑफ विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑफ फेयर ज इंक्लूसिव ऑफ थर्ड ए सी ट्रेन फेयर फूडिंग या स्टे इना थ्री स्टार या फाइव स्टार होटल एंड साइट सीइंग साइट एस आई जीएचटी सीइंग एंड ऑल मील्स ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट मज गिव दियर नेम टू द्लास टीचर्स लेटेस्ट बाय अब लेटेस्ट बाय अगर फर्स्ट जुलाई का है तो लेटेस्ट बाय फिफ्टींथ जून है ना ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड क्या लिखेंगे फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड अंडर वाला जिसके नीचा ना, नाम है अंडर साइंट फिली रमा हेड गर्ल तो मैंने आपको ये पहला बताया आपको कि कैसे होगा ठीक है नेक्स्ट मान लो एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो वैसे तो दिस इज टू इन्फॉर्म भी देखो लोग लिखा हुआ है वैसे पैसिव वाइज में होना चाहिए दैट एनुअल डे 2016 सिक्सटीन

contact contact their, you should contact their respective class teachers latest by this for any further query query is contact the undersigned ठीक है तो वैसे ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इनफॉर्म बाय बायफॉर्म दैट एनुअल डे बी सेलिब्रेटेड ऑन डिसंबर 31 फ्रॉम 6 पीएम एम ऑनवर्ड्स इन द स्कूल ऑडिटोरियम या Uh, students are hereby informed that annual uh, day 2016 will be celebrated on December 31. फिर तो venue, time, ठीक है 6 pm onwards. फिर एक line uh, छोड़कर uh, जैसे कि मिस्टर देसाई, uh, the uh, renowned, uh, renowned academician has सोलिसिटेड टू बी द चीफ गेस्ट सोलिसट मतलब अग्री किया है टू बी द चीफ गेस्ट अगर सॉलिसिटेड नहीं लिखना है टू बी द चीफ गेस्ट तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विल ग्रेज द इवेंट और स्टूडेंट नेम्स टू द क्लास टीचर्स बाय दिस वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट इन द वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स मज गिव दियर नेम्स टू द्लॉस टीचर्स बाय दिस फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड हो गया खत्म ठीक है ऐसे मान लो कि अगर आ, कोई फ्लड विक्टिम्स के लिए आपको क्या करना है आपको बोलना है कि फ्लड विक्टिम्स के लिए पैसे दो तो दिस स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल हैज़ डिसाइडेड डिसाइडेड टू टू हैज एड द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम है ना और स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड टू डोनेट मैग्नानिमसली या जेनेरसली जेनेरसली दिल खोलकर कीजिए जेनेरसली दिल खोलकर आप लोग कीजिए जेनेरसली ठीक है इन द वो जेनेरसली ठीक है कलेक्शन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम टाइम दे देना और टीचर डिप्यूटेड ठीक है और आगे दे देना मेडिसिन मनी क्लॉथ्स कैन बी डोनेटेड ठीक है लेटेस्ट बाय दिस बस और फिर हो गया ये फर्दर क्वेरीज कॉन्टेक्ट द अंडरस्टैंड और फिर अपना बस जो भी लिख रहा है वो और उसका जो भी पोजिशन है देखो ये नेक्स्ट है इनकी फॉर्मेट सबकी गलत है हाँ आर यू ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स द स्कूल हैज डिसाइडेड टू होस्ट मैथ्स फेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ मैथ सोसाइट टू रिपोर्ट द स्कूल ऑडिटोरियम डिस्कशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर विल बी ऑन द एजेंडा ऑफ दिल बी द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑन नहीं आएगा तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस स्कूल हैज़ डिसाइडेड दिस मतलब स्कूल ने डिसाइड किया कि मैच फिर ऑर्गेनाइज करेंगे और सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया गया कि रिपोर्ट करें टू डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर या द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज दिस बस खत्म हो गया